गुड न्यूज आप सबके लिए, अगर आप लोग ओएनडी द अल्टीमेट पीएसपी सोशल नेटवर्क स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हो अपने सोशल नेटवर्क साइट के लिए, तो ये अपडेट हो चुका है। बहुत टाइम बाद ये अपडेट हो चुका है और ये अपडेट आने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन फाइनली ये अपडेट हो चुका है। और इसको आप लोग आपका जो वेबसाइट है इसके अंदर अपडेट कर सकते हो। आप लोग क्या क्या अपडेट हुआ है वो सारा चीज हम लोग देखेंगे, और कैसे इसको अपडेट करेंगे वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे, और क्या क्या चीज़ अपडेट हुआ है वो तो हम लोग देखेंगे। इसको देखने के लिए स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर देख सकते हो करेंट वर्जन 4.3 है। ठीक है, तो आप लोग जो वर्जन को इंस्टॉल करके रखे हो वो मे बी यहाँ पर 4.2.1 होगा, और अभी जो इसका वर्जन है 4.3 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग व्यू फुल चेंज लॉक के अंदर क्लिक करके न्यू टैब ओपन करते हैं तो क्या क्या अपडेट हुआ है वो हम लोग यहाँ पर देख सकेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोग न्यू हो तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं ऐसे ही वीडियो बना के आपको दे दूंगा। और ये जो वाइंडर सोशल नेटवर्क है इसके रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मैंने मेरा यूट्यूब चैनल में बनाया है। यहाँ पर अगर आप लोग प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पर एक प्ले लिस्ट देखेगा, डेडिकेटेड प्ले लिस्ट इस पूरी स्क्रिप को सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो व्यू प्लेलिस्ट के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखकर आप लोग इजीली ये जो स्किप है इसको सेटअप वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये जो स्किप है इसके अंदर क्या क्या अपडेट आया है 4.2 में, 3 में, बेसिकली 4.3 में क्या क्या अपडेट आया है और कैसे इसको अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करना है सारा चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और सबसे पहले बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर ऐड हो चुका है। देख सकते हो सबसे पहले जो ऐड हुआ है वो है मोनेटाइजेशन सिस्टम। आपका जो यूज़र है वो उसका जो कंटेंट है वो सेल कर सकते हैं, ओनली फैंस जो वेबसाइट है उसके तरह आपका जो कंटेंट है आपका यूज़र वो सेल कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट अगर करेगा वो तो उसको वो सेल कर सकते हैं ओनली फैंस के तरह। ठीक है, तो यही अपडेट हुआ है। बेसिकली आपका जो यूज़र है वो आप उसका जो कंटेंट है उसको मोनेटाइज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टरी सिस्टम, यूजर कैन व्यू द साइट कंटेंट विदाउट द नीड टू लॉगिन। ठीक है, कोई भी यूजर आपका वेबसाइट के अंदर विदाउट लॉगिन करके भी आपका साइट को व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर यही बताया है, ये ऐड हो चुका है, ये ऐड किया है। उसके बाद देख सकते हो द ऑप्शन चूज द डिफॉल्ट लैंडिंग पेज, न्यूज फीड, रजिस्ट्रेशन फीड, वेलकम पेज और डायरेक्टरी। ठीक है, इसमें से कुछ भी आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हो, जैसे कि न्यूज फीड है, रजिस्ट्रेशन पेज है, वेलकम पेज है और डायरेक्टरी, कुछ भी आप लोग सेटअप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रील सिस्टम, जैसे कि फेसबुक में रील होता है, इंस्टाग्राम में रील होता है, यूट्यूब के अंदर शॉर्ट होता है, उस सिस्टम को इस स्क्रिप्ट के अंदर ऐड किया गया है क्योंकि ये फेसबुक रिलेटेड वेबसाइट है। उसके बाद वॉच पेज, फेसबुक में आप लोग जानते हो वॉच पेज रहता है तो उसमें वॉच पेज भी ऐड किया है, और एक न्यू पेमेंट मेथड ऐड किया है। कौन सा पेमेंट मेथड आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फास्ट पे फास्ट पेमेंट मेथड भी ऐड किया है, दो पेमेंट मेथड ऐड किया है बेसिकली। और स्विस अकाउंट सिस्टम, यूजर कैन लॉग इन मल्टीपल अकाउंट। ठीक है, तो आपका जो यूजर है वो मल्टीपल अकाउंट के अंदर लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूजर कैन क्रिएट एड स्टोरी सिस्टम। ठीक है, आपका जो यूजर है वो स्टोरी जिस तरह से क्रिएट करते हैं उसी तरह से यहाँ पर एड भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वर्डप्रेस लॉगिन सिस्टम, यहाँ पर आपका जो वर्डप्रेस है उसमें लॉगिन सिस्टम भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ जो प्रॉब्लम थे उसको फिक्स किया है, जो यूज़र ने रिपोर्ट किया है इसको फिक्स करने के लिए उसको फिक्स किया है। उसके बाद कोड को इम्प्रूवमेंट किया है, और आपका जो पीएसपी है उसको अपडेट किया है, और यहाँ पर चार्ज सिस्टम को मॉडिफाई किया है, उसका जो स्पीड है उसको इंक्रीज किया है। ठीक है, तो यही थे 4.3 वर्जन के अपडेट, ये सारा अपडेट दिया है, ये अपडेट आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम लोग चलते हैं, ये जो अपडेट है इसको आपको साइट के अंदर कैसे यहाँ पर अपडेट करना है। अभी हमारा जो वेबसाइट है इसको अगर हम लोग एडमिन एरिया के अंदर लेकर आते हैं और यहाँ पर इसका जो अपडेट है चेंज लॉक के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देखते तो 4.2.1 और इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया है 4.3। ठीक है, और हम लोग यूज़ कर रहे हैं ओल्ड वर्जन 4.2.1 जो कि मई मास में यहाँ पर अपडेट हुआ था। अभी ये अपडेट हुआ है,
नवंबर में, ठीक है, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर महीने में अपडेट हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे अपडेट करना है चलिए देखते हैं। तो इसको अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप लोग आपका जो अकाउंट है कैटक्रोन के अंदर लॉग इन कीजिए और डाउनलोड ऑप्शन में जाइए, और यहाँ से आपका जो फाइल है इसको यहाँ से ऑल फाइल में डाउनलोड कीजिए और लाइसेंस की को भी डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो मैंने दोनों डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो ये हमारा फाइल है, ये फाइल जिप फाइल है, इसको आपको करना होगा अनजिप। तो राइट बटन क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट फाइल, और यहाँ पर ओके में क्लिक कीजिए। तो आपका जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा सा वाइट करना है, आपका जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वाइट करते हैं। ओके, हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अभी इस फोल्डर के अंदर जाना होगा और यहाँ पर अपडेट गाइड इसमें जाना होगा, और इसमें से लेटेस्ट वर्जन आपको देखना होगा कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये लेटेस्ट वर्जन है, और यहाँ पर हाउ टू अपडेट इसके लिए एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। इसको अगर आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा, और कैसे इसको अपडेट करोगे इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट दिया है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट की हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अपडेट गाइड के अंदर जाकर यहाँ पर 4.3 इस वर्जन के अंदर जाते हैं, और ये सारा फाइल है हमारा, ठीक है। तो ये सारा फाइल को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऑल में सिलेक्ट करके इसमें इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑल में क्लिक करते हैं, कंट्रोल ए पेस्ट करके, उसके बाद राइट बटन क्लिक करते हैं, ऐड आर्काइव में क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम लोग जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, ये जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, और ओके में क्लिक कर देते हैं। तो ये सारा फाइल हमारा यहाँ पर जिप फाइल में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारा जिप फाइल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जिप फाइल को आपका जो सर्वर है उसके अंदर अपलोड कर देना है, ठीक है। तो चलिए इस फाइल को हम लोग हमारा जो सर्वर है उसके अंदर अपलोड कर देते हैं। तो इसको अपलोड करने के लिए हम लोग हमारा जो होस्टिंग है उसके अंदर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग हमारा जो होस्टिंग है उसको ओपन करते हैं, हमारा जो सर्वर है उसके अंदर हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जाते हैं फाइल मैनेजर के अंदर, और यहाँ पर आपको जाना होगा पब्लिक एचटीएमएल के अंदर, और हम लोग जो जिप फाइल में कन्वर्ट किया फाइल को, उस फाइल को हम लोग यहाँ पर ये रहा, इसको हम लोग अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग के अंदर जाइए, और यहाँ पर शो हिडन फाइल इसको टिक मार्क दिखे, उसके बाद अपलोड में क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सिलेक्ट फाइल में क्लिक करना, और आपका जो फाइल है जिसमें आप लोग जिप फाइल में कन्वर्ट किए हो उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करना होगा, यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो हमारा जो जिप फाइल है वो यहाँ पर 100% अपलोड हो चुका है, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर गो बैक में क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपका जिप फाइल जहाँ पर है उसमें जाना होगा, यहाँ पर ये रहा हमारा जिप फाइल, इसको हम लोग करेंगे राइट बटन क्लिक, और यहाँ पर करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हमारा सारा फाइल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, हमारा होम पेज के अंदर आ जाएगा। अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हमारा सारा फाइल होम पेज के अंदर आ चुका है। अभी अगर हम लोग हमारा जो वेबसाइट है इसको रिलोड करेंगे तो हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पर इस तरह का दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर सारा फाइल को अपलोड कर दिया है। तो आपको क्या करना होगा, घबराना नहीं है, ठीक है। अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका डोमेन स्लेश अपडेट डॉट पी एस पी लिख कर इंटर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपडेट डॉट पी एस पी लिख कर इंटर करता हूँ। ओके, मैंने अपडेट डॉट पी एस पी लिख कर इंटर किया है, उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आपका डोमेन, यहाँ पर आपका डोमेन स्लेश अपडेट डॉट पी एस पी लिख का इंटर करना, और यहाँ पर अपडेट टू 4.3 वर्षन, हम लोग इसी वर्षन को अपडेट करना चाहते हैं, और इस वर्षन में क्या क्या फीचर है वो सारा चीज़ें यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर आपका जो परसेस कोड है वो आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो आप लोग जो परसेस कोड को डाउनलोड किया है यहाँ से आप लोग आपका जो परसेस कोड पीडीएफ में डाउनलोड कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपका जो परसेस की है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा जो परसेस की है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर मेरा जो परसेस की है वो यहाँ पर डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पर अपडेट में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपडेट में क्लिक कर देता हूँ, और ये जो फाइल है ये हमारा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो ये सारा चीज हमारा अपडेट हो रहा है वन बाई वन करके। तो ये सारा अपडेट होने के लिए हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग जब अपडेट हो जाएगा उसके बाद इसको हम लोग हमारा जो होम पेज है वो हम लोग चेक करेंगे हमारा वेबसाइट अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो अपडेट है वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अपडेट और एडिटिंग लैंग्वेज ये सारा चीज़ें फिनिश हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली अपडेट योर साइट
थैंक्स फॉर चूजिंग ओएनडर। ठीक है, तो हमारा फाइल जो है वो अपडेट हो चुका है। इस तरह का मैसेज आपको जब देखेगा, फिनिश कॉन्ग्रेचुलेशन योर साइट सक्सेसफुली अपडेट, तब आप लोग समझ लीजिएगा आपका साइट अपडेट हो चुका है। और यहाँ पर अपडेट होने में कुछ टाइम ऑफकोर्स लेगा। ठीक है, अपडेट होने के बाद यहाँ पर होम पेज में जाने के ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम लोग होम पेज में क्लिक करते हैं और हम लोग यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारा जो होम पेज है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं हमारा होम पेज के अंदर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा सारा चीज़ें हम लोग होम पेज के अंदर पा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा वेबसाइट है, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड हुआ है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वॉश पेज ऐड हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर रील्स वगैरह ऐड हुआ है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डायरेक्टरी यहाँ पर ऐड है, और यहाँ पर रील्स वगैरह सारा चीज़ें यहाँ पर ऐड होगा। हम लोगों को वो सेटिंग ऑप्शन में जाकर यहाँ पर इसको इनेबल करना होगा। ठीक है, तो वो सारा चीज़ें कैसे करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।